अगले दिन रामघाट पर तुलसीदास सुबह सुबह रामघाट पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनका मुख आज मलिन नजर आ रहा है। वहीं एक व्याकुलता उनके चेहरे के ओजस्व को ओझल दिखा रही है और वे बारंबार रामघाट के प्रत्येक मार्ग की ओर निहार रहे हैं, जैसे किसी की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हो। कब दर्शन हो ये तोहार प्रभु, मन तरसत चरण धूलि के। कब मिटी है दर्द हमार प्रभु, मन तरसत चरण धूलि के। अभी तुलसीदास अपने नेत्रों को बंद करके भजन गान गा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के वहां होने का आभास होता है, जैसे कि किसी के पदचाप हर क्षण उनके निकट बढ़ रहे हो। तुलसीदास जैसे ही अपने नेत्र खोलकर देखते हैं, उन्हें हनुमान जी अपने सम्मुख नजर आते हैं। वहीं हनुमान जी तुलसीदास से पूछते हैं, क्या हुआ तुलसी, आज भी आपको श्री राम के दर्शन नहीं हुए? तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के योग्य ही नहीं हूं प्रभु। जब तक कि मैं उनके दुलारे भक्त हनुमान की संपूर्ण कथा को जान नहीं जाता, अगर आपकी अपार भक्ति का 1% भाग भी मेरे अंदर समर्पित हो गया तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा और संभवतः तभी मैं आराध्य के दर्शन के योग्य बन पाऊंगा, क्योंकि सारा जग जानता है कि श्री राम के दर्शन को पाने का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही मार्ग है, और वो है स्वयं आप, रामेष्ट महाबली पराक्रमी हनुमान। वहीं हनुमान जी तुलसीदास के इस बात पर विनम्र मुस्कान के साथ कहते हैं, तुलसी, इस संपूर्ण संसार में भगवान राम के अनेकों भक्त हैं और उनमें से एक भक्त मैं भी हूं। प्रभु श्री राम बड़े दयालु और कृपालु हैं, उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, आप तनिक धैर्य रखिए, वे आपको अवश्य दर्शन देंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर अंत में तुलसीदास को थोड़ा संबल मिला और वे हनुमान जी के चरणों की धूली लेकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है प्रभु, हम प्रभु श्री राम की तनिक और प्रतीक्षा कर लेंगे, परंतु प्रभु कल की कथा जो शेष रह गई थी उसे आज संपूर्ण कीजिए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि वो कौन था, वो दुस्साहसी जिसे आपके जन्म को लेकर आपत्ति थी। इतना सुनते ही हनुमान जी मृदु मुस्कान के साथ मुस्कुराए और उन्होंने तुलसीदास को एक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे चलिए तुलसी, वहीं बैठकर शीतल छाया में हम आगे की कथा को शुरू करते हैं, और कुछ समय के उपरांत हनुमान जी पुनः कथा को कहना शुरू कर देते हैं। कठिन तप करने के पश्चात महारानी अंजनी को जो फल मिला उसे संतान रूप में अपने गर्भ में धारण कर महारानी अंजनी एवं उनके स्वामी महाराज केसरी अत्यंत खुश हैं। अब शीघ्रता से संतान के गर्भ से बाहर आकर अपने गोद में खिलाने की चाह है उन दोनों को। वहीं चारों ओर प्रकृति उनकी इस खुशी में झूम और नाच रही है, पशु पक्षी भी अपने प्रकार से उत्सव मना रहे हैं, परंतु एक विराट पवित्र प्रक्रिया से सभी खुश हों यह आवश्यक नहीं, क्योंकि महाराज केसरी और महारानी अंजनी की खुशी के विपरीत कोई ऐसा भी है जिसका इस पावन घटना से सबसे अत्यधिक अहित होने वाला है, और वो कोई और नहीं स्वयं देवराज इंद्र है। महारानी अंजनी ने जैसे ही हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण किया, हनुमान अपनी विराट लीलाओं को महारानी अंजनी के गर्भ में ही दिखाने लगे। गर्भवती होते ही अंजनी की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गई, वे दिन भर फलाहार एवं स्वयं अपने हाथों से बने लड्डुओं का सेवन करने लगी, परंतु इसके बाद भी उनकी भूख कम नहीं हो रही है। वहीं स्वयं माता पार्वती भी इस लीला से चकित हैं और वे महादेव से उपहास करते हुए बोल पड़ी,
प्रभु, आप अभी पैदा भी नहीं हुए और अपनी माता को तंग करने लगे। महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया, देवी, इतनी परम तृप्ति हमें इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं हुई। हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि माता के हाथ से बने लड्डुओं का स्वाद अतुल्य है और ऐसा स्वाद हमें किसी और भोग में भी नहीं मिल सकता। देवी, महादेव के इस बात को सुनकर माता पार्वती मुस्कुराने लगीं। कुछ और माह बीत गए, तब हनुमान ने महारानी अंजनी के गर्भ में अपनी एक और लीला प्रारंभ कर दी। हनुमान के माता अंजनी के गर्भ में लात मारने की कंपन प्रक्रिया पूरी सृष्टि को डोलने पर विवश करने लगी, जिससे इंद्रलोक भी अछूता ना रहा। इस समय देवराज इंद्र जब अपने आसन पर विराजमान हैं, तभी उनका पूरा का पूरा इंद्रलोक डोल गया और वे थड़ाम से अपने राज सिंहासन से नीचे फर्श पर आ गिरे और साथ ही साथ उनका मुकुट भी दूर उछल गया। इस घटना के होते ही देवराज इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए और वे चिल्लाने लगे, अपने सेनापति और अपने सभी सैनिकों को पुकारने लगे। ये क्या था? क्या फिर से कोई अधर्मी राक्षस संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है? तभी इंद्रलोक में नारायण नारायण की प्रतिध्वनि गूंज उठी और अगले ही क्षण नारद मुनि वहां इंद्रलोक में प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने कहा, देवराज इंद्र प्रणाम, आपका यह भय उचित है। आगे देवराज इंद्र के रिक्त सिंहासन की ओर संकेत करते हुए नारद ने कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका राज सिंहासन संकट में है। नारायण नारायण। नारद के मुख से संकट की बात सुनकर देवराज इंद्र की भवें तन गई और वे नारद की ओर ध्यान से देखने लगे। वहीं नारद भी आगे कहते जा रहे हैं, देवराज, आपके संकट का कारण कोई और नहीं बल्कि अंजनी और केसरी की होने वाली संतान है। मैं ये बात स्वयं ज्ञात करके आ रहा हूं अभी कैलाश से। नारायण नारायण। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं, इससे पहले कि देर हो जाए आपको इस पर अवश्य कुछ विचार करना चाहिए। नारायण नारायण। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज इंद्र क्रोध की अग्नि में जलने लगे और उन्होंने क्रोधवश कहा, हमारे होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम उस शिशु को अंजनी के गर्भ में ही समाप्त कर देंगे, जिससे ना तो उस संतान का जन्म होगा और ना ही मेरे राज सिंहासन पर कोई कुदृष्टि डालेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज के इस क्रोध के कारण माता पार्वती भी विस्मित रह गईं। उन्होंने महादेव से कहा, ये क्या घोर अनर्थ होने जा रहा है स्वामी? नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा ना हो कि देवराज इंद्र जाने अनजाने कोई अनिष्ट कर बैठे। वहीं माता पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप चिंता ना करें, जो कुछ भी हो रहा है बिना नियति के ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। महादेव के इस बात पर देवी पार्वती ने आश्चर्य से कहा, इसका तात्पर्य ये भी आपकी ही कोई लीला है? महादेव ने माता पार्वती की बात सुनकर स्वीकृति में अपने नेत्रों को झुका लिया, जिसे समझकर माता पार्वती ने कहा, सच में स्वामी, आपको समझना अत्यंत कठिन है। माता पार्वती के इस बात पर महादेव मुस्कुराने लगे, जैसे कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वे पहले से ही जानते हों। किष्किंधा राज में वानर राज बाली इस समय अपनी किष्किंधा में बिना अनुमति के प्रवेश कर चुके राक्षसों का संहार करने में लगे हुए हैं।
परंतु बाली से पार पाना इतना भी सरल नहीं है। उनकी शक्ति और बल के संभव देवता तक सामने आने से कतराते हैं। एक तरह से इस समय महाराज बाली का उन राक्षसों के साथ द्वंद हो रहा है। अपने गदा के साथ वे समस्त राक्षसों को धूल चटा रहे हैं। एक राक्षस की गर्दन को मरोड़ते हुए बाली ने क्रोध से कहा, दुष्ट, कैसे दुस्साहस किया तुमने हमारे साम्राज्य में प्रवेश करने का। राक्षस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें क्षमा करें बाली, पुनः हम ये दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। बाली ने अपनी भारी गदा को उठाते हुए कहा, वो तो तुम तब करोगे ना जब तुम जीवित रहोगे। इतना कहते ही बाली ने उस राक्षस को अपनी गदा के भीषण प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया। तभी कुछ क्षणों के पश्चात अपनी अलौकिक शक्ति के बल पर उस स्थान पर देवराज इंद्र पधारे और ठीक बाली के समक्ष उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र को देखते ही बाली ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम पिताश्री, यदि आप कुछ क्षण पहले आए होते तो स्वयं अपनी आंखों से देख पाते कि हमने उन घुसपैठियों और राक्षसों की क्या दुर्दशा की। इस बात पर देवराज इंद्र क्रोधित होकर बोल पड़े, राक्षसों और घुसपैठियों को मारने से खुश होने वाले दिन गए बाली, तुम किष्किंधा साम्राज्य के राजा हो, क्या तुम्हें तनिक भी चिंता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अपने पिताश्री की यह बात सुनकर बाली कुछ चकित हुए। वहीं देवराज इंद्र आगे भी कहते जा रहे हैं, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि एक ऐसे संकट का जन्म होने वाला है जो तुम्हारी नींद हर लेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज इंद्र को बाली के साथ देखकर उनके आगे होने वाले क्रियाकलापों के बारे में पता चलते ही माता पार्वती विस्मित होकर महादेव से कह उठती हैं, बाली तो इंद्रदेव के औरस पुत्र है ना प्रभु, अर्थात देवराज इंद्र अपनी समस्या का समाधान ढूंढने स्वयं अपने वानर पुत्र के पास आए हैं। माता पार्वती की बात पर महादेव ने कहा, बाली से अत्यधिक बलशाली और प्रतापी राजा इस पूरे वानर कुल में कोई और नहीं देवी, इसलिए यदि एक वानर शिशु को छल अथवा बल से पृथ्वी लोक पर आने से रोकना होगा तो उसके लिए बाली से योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। माता पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा, परंतु बाली ऐसा क्यों करेंगे। महादेव ने कहा, यूं तो दुष्ट को दुष्टता करने के लिए कोई कारण नहीं, केवल बहाना चाहिए होता है, परंतु यहां देवराज इंद्र स्वयं बाली के लिए कारण भी ले आए हैं देवी। अब इंद्रदेव स्वयं का सिंहासन बचाने के लिए बाली का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए एवं आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि इंद्रदेव का ऐसा करना कितना यथोचित है। वहीं किष्किंधा राज में असमंजस की स्थिति में बाली ने अपने पिता से पूछा, आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी देवराज इंद्र ने कहा, केसरी और अंजनी को एक अलौकिक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अंजनी के गर्भ में पल रहा शिशु आने वाले समय में तुम्हारे वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। अपने पिताश्री की बात सुनकर बाली ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री, समस्त पृथ्वी लोक तो क्या, तीनों लोक में भी ऐसा कोई नहीं जो मुझे यानी बाली को शक्ति और बल कौशल में चुनौती दे सके। और आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो शिशु अब तक पैदा ही नहीं हुआ उस शिशु से मैं भयभीत हो जाऊं। इतना कहकर बाली अट्टहास करने लगा। बाली के इस अहंकार के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था, वो ये कि बाली को कठिन तपस्या के कारण एक अनोखा वरदान मिला था, जिसके फलस्वरूप बाली से लड़ाई करने के समय उसके शत्रुओं की आधी शक्ति बाली के शरीर में स्वयं ही समाहित हो जाती थी और वो सरलता से हर युद्ध जीत जाया करता था। एवं इसी अद्भुत शक्ति के बल पर ही बाली अहंकार में डूबा रहने लगा था। यही एक कारण था
कि वो अपने पिताश्री की बातों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी देवराज इंद्र ने कहा, यही अहंकार एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम स्वयं तुम्हें यहां बताने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, और तुम्हें यह सब केवल एक उपहास लग रहा है। अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए बाली ने कहा, क्षमा करें पिताश्री, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। अंजनी और केसरी का वो पुत्र तुम्हारे सिंहासन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। वो जन्म ले उससे पूर्व ही उसके अंत का प्रबंध कर दो, ये मेरी आज्ञा है। इस पर बाली ने कहा, आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं इसी क्षण कुरु साम्राज्य पर धावा बोल देता हूं और उस शिशु का अंत उसकी माता के गर्भ में ही कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भड़कते हुए कहा, यह समय मूर्खता करने का नहीं है बाली, तुम्हारे इस कृत से भूलोक पर ही नहीं समस्त लोक पर हाहाकार मच जाएगा, जिससे सारे देवतागण तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा साम्राज्य स्वयं हम भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए यहां बल की नहीं छल की आवश्यकता है। बाली ने आज्ञा मानते हुए कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं भली भांति आपके कहने का तात्पर्य समझ गया। अपने पिताश्री के जाने के बाद बाली उस शिशु को समाप्त करने की युक्ति सोचने लगा। वहीं उसे यह मौका भी शीघ्र अतिशीघ्र मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के उपरांत महारानी अंजनी की गोद भराई की रस्म होने वाली है, जिसमें बाली को समस्त परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है। गोद भराई के रस्म वाले दिन जहां कुरु साम्राज्य में सारी तैयारियां अद्भुत तरीके से चल रही होती हैं, वहीं कुरु साम्राज्य से दूर एक घने एवं निर्जन जंगल के बीच से होकर गुजरते हुए बाली आगे बढ़ता जा रहा है, और वो कुछ समय के उपरांत एक ऋषि के पास पहुंच गया। इस ऋषि का नाम ऋषि चालुक्य था। आज गुरुदेव के पास अवश्य मुझे कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा, बाली ने ऋषि चालुक्य की कुटिया में प्रवेश करते हुए सोचा। ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते ही बाली ने प्रणाम किया, प्रणाम गुरुदेव। वहीं ऋषि चालुक्य ने मंद मंद मुस्कान के साथ बाली से कहा, आओ बाली आओ, कई माह के अंतराल के बाद आज इस कुटिया में तुम्हारा कैसे आना हुआ। वहीं बाली ने अपने स्वाभिमान के विपरीत थोड़े संयम से कहा, गुरुदेव हमें आपसे तनिक एक सहायता की आवश्यकता है। ऋषि चालुक्य ने हामी में अपना सिर झुका दिया। बाली ने आगे कहा, गुरुदेव हमारा एक शत्रु है जिसका विनाश करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का विष चाहिए। विष? विष की बात सुनकर ऋषि चालुक्य की भवें सिकुड़ गई और उन्होंने एक तरह से प्रतिवाद करते हुए बाली से कहा, परंतु ऐसे बलशाली और पराक्रमी वीर बाली को विष की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? तुम्हारा ये कैसा शत्रु है जिसे तुम अपने बल और शक्ति से भी परास्त नहीं कर पा रहे हो? बाली ने ऋषि चालुक्य से कहा, गुरुदेव अब केवल इतना समझ लीजिए कि इस शत्रु के विनाश में विष ही सहायक है, क्योंकि उसे छल से मृत्यु के काल का भागी बनाना है हमें। अंत में कुछ सोचने के बाद ऋषि चालुक्य ने विष बाली के हाथ में सौंपते हुए कहा, बाली मैं ये विष तुम्हें दे तो रहा हूं, परंतु इतना अवश्य स्मरण रहे, ये अतिविष है जो 100 अतिविषधारी सर्पों के विष से बना है, एवं इसकी एक ही बूंद से 100 मनुष्य भी मर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सोच विचार कर ही करना। अतिविष का नाम सुनते ही बाली के नेत्रों में एक विचित्र चमक उभरने लगी, जैसे कि उसे इसी प्रकार के किसी विष की चाह हो। वहीं हनुमान जी ने इतना कहकर इस कथा को यहीं समाप्त कर दिया। तभी तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, प्रभु आगे क्या हुआ? हमें जानना है कि बाली ने इस अतिविष के साथ क्या किया था।
इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसीदास आपने ही तो लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो अब समय हो गया है हमारा श्री राम की सेवा में उपस्थित होने का। आगे की कथा हम पुनः कल सुनाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी पुनः जिस रूप में वहां आए थे उसी स्वरूप में वहां से चले गए। तो आगे क्या होगा इस कथा में, कैसे हुआ था हनुमान जन्म के इस संकट का विराम, जानेंगे अगले भाग में।